इंस्पेक्टर जनरल अफ पुलिस डॉक्टर संतोष कुमार निम्बलकर आईपीएस सरलाई हामी खदा अर्पण गर्न गइरहेका छौं। यसैगरी जिल्लाको एडिशनल सुप्रिन्टेन्डेन्ट अफ पुलिस हाम्रो अजय गणपति कुम्भाल आईपीएस सरलाई पनि हामी सदर ट्राफिकको तर्फबाट खदा अर्पण गर्न गइरहेका छौं। यसैगरी डीएसपी हेडक्वार्टर सर सैरभ सरलाई पनि हामी खदा अर्पण गर्न गइरहेछौँ। यसैगरी सदर थानाको इन्स्पेक्टर इन्चार्ज अफ पुलिस हाम्रो तीर्थ सरलाई पनि सदर ट्राफिकको तर्फबाट खदा अर्पण गर्न गइरहेछौँ। आइसी सरलाई यसैगरी जिल्लाको आरआई सरलाई पनि हामी खदा अर्पण गर्न गइरहेछौँ। अनि हाम्रो सदर ट्राफिकको ट्राफिक इन्स्पेक्टर सुकुमार घोष सरलाई पनि खदा अर्पण गर्न गइरहेछौँ। सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज संडे होते हुए भी इतना एनर्जेटिकली आपने इस रूट मार्च कम सेफ ड्राइव सेफ लाइफ जो इनिशिएटिव है उसमें पार्टिसिपेट किया। इसका उद्देश्य एक है कि अकॉर्डिंग टू एनसीआरपी डेटा साल भर में 1.5 लाख डेथ्स रोड एक्सीडेंट्स में होते हैं। इसका मेन रीजन होता है कि ट्रिपल सीट राइडिंग विदाउट हेलमेट राइडिंग निग्लिजेंट ड्राइविंग ऐसे बहुत सारे रीजन है जिसके वजह से 1.5 लाख लोगों की बिना वजह रोड एक्सीडेंट्स में मृत्यु होती है हर साल। ये इनिशिएटिव इसी के लिए एक अवेयरनेस प्रोग्राम के तौर पे शुरू किया गया था माननीय मुख्यमंत्री जी ने। इसके थ्रू हम लोग अवेयरनेस फैलाने की कोशिश करते हैं कि डेंजर्स ऑफ ट्रिपल सीट राइडिंग, डेंजर्स ऑफ विदाउट हेलमेट राइडिंग। इसका बहुत सालों से हर डिस्ट्रिक्ट में इसका अवेयरनेस कैंपेन होता रहा है। हमने कुछ दिन पहले भी इसका अवेयरनेस कैंपेन किया था एंड आई एम प्राउड टू से कि दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में सर एक्सीडेंट्स का प्रपोर्शन बहुत कम है। इसकी मेन रीजन ये होता है कि हमारे ट्रैफिक जो है डीएसपी ट्रैफिक और उनकी पूरी टीम ये इसमें बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। आप टूरिस्ट भी देखते हैं तो खुश हो जाते हैं कि हर चप्पे चप्पे पे ट्रैफिक का सिविक खड़ा रहता है, ट्रैफिक का कॉन्स्टेबल ऑफिसर खड़े रहते हैं। इसी के साथ मैं सबको धन्यवाद देता हूं और मैं आशा करता हूं कि इस इनिशिएटिव के अंदर सब लोग हेलमेट लगा के राइडिंग करें, ट्रिपल सीट राइडिंग ना करें, ड्रंकन ड्राइविंग ना करें और निग्लिजेंट ड्राइविंग ना करें। थैंक यू वेरी मच। Thank you.
बना ना। मैं पदम ना आप लोग को क्या मुसीबत होता है सर, क्या फेस करते हैं हिली स्पेशली दार्जिलिंग में ट्रैफिक को लेकर, एक्सीडेंट को लेकर क्या फेस होते हैं सर? मेनली आप जानते हैं कि सेफ ड्राइव सेव लाइव ये कैंपेन है ऑनरेबल सीएम मैडम ने चालू किया था, तो करीबन 6 साल हुए इसको। तो इसमें आप देख रहे हैं कि इतने हायर लेवल पे पार्टिसिपेशन के बाद डेथ रेट एक्सीडेंटल रेट कितना कम आया है। तो ये हम लोग और बार बार री एनफोर्समेंट करने के लिए, ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने के लिए, सबको री एनफोर्स करने के लिए हम लोग ये बार बार कैंपेन लेते हैं। तो आज भी उसका कैंपेन अरेंज किया हुआ था हम लोगों ने, सिंगमारी से लेके चौरस्ता तक हम लोगों ने एक रैली निकाली थी, उसमें सभी सिंडिकेट्स से लेके सब पार्टिसिपेट हुए थे। सो दैट इसमें सभी टाइप के फ्लैग्स हम लोगों ने रखे थे अवेयरनेस के लिए, उसमें बैंड था, सो दैट जितने भी सिंडिकेट्स है ड्राइवर से वो हमेशा अवेयर रहे कि हिल में गाड़ी चलाते समय स्पेशली फॉगी वेदर रहता है, रास्ते छोटे हैं, रास्ते में कंजेशन रहता है, पार्किंग कभी कभी रास्ते पे होता है। तो इसको ध्यान में रख के, घर भी साइड में है तो इसको ध्यान में रख के गाड़ी चलाना, उनको ठीक से चलाना ज़रूरी है, सो दैट एक्सीडेंट्स ना हो। और सब समय ये ध्यान में रहे, रैश ड्राइविंग, नेग्लिजेंट ड्राइविंग, ड्रंकन ड्राइविंग, विदाउट सीट बेल्ट, फ़ोन पे बात करना, ये छोटी छोटी चीज़ें जो है ना करें, सो दैट ये एक्सीडेंट कम हो। ऑलरेडी हमारे दार्जिलिंग में बहुत सारे एक्सीडेंट का रेट जो है ड्रास्टिकली कम हुआ है बिकॉज ऑफ न्यू ट्रैफिक गार्ड्स। 14 करीबन ट्रैफिक गार्ड हम लोगों ने बनाए हैं, इसमें 900 लोगों का पोस्टिंग किया है हम लोगों ने। तो हर टाइम में हमारे जो ट्रैफिक के जो वॉलंटियर्स है, सिविक वॉलंटियर्स से लेकर होमगार्ड से लेकर OCs, एडिशनल OCs, हमेशा ही ट्रैफिक कामिंग, हॉटस्पॉट डिटेक्शन, ये सब चीज़ें वो लोग हमेशा ही करते रहते हैं। दैट्स वाई दार्जिलिंग जिले में जो एक्सीडेंटल रेट है वो ड्रास्टिकली कम हुआ है। सर जैसे बाइक तो दार्जिलिंग पहाड़ में एक्सेस है सर राइड, तो उसके लिए क्या आप मैसेज देना चाहते हैं जो राइडर है? मेनली हम लोगों ने देखा है कि ट्रैफिक में टू व्हीलर्स के एक्सीडेंट्स ज़्यादा होते हैं और डेथ रेट भी उसमें ज़्यादा है। तो हमारा हमेशा ही मेन टारगेट ग्रुप रहा है कि बाइक्स और यंग पॉपुलेशन जो कि रैश ड्राइविंग टू व्हीलर्स को लेके, ड्रंकन ड्राइविंग, मॉडिफाइड बाइक्स, इसके लिए हम लोग स्पेशल ड्राइव बीच बीच में हम लोग अरेंज करते हैं। 2 घंटा हम SP से लेके सभी सिविक वॉलंटियर्स सभी रास्ते में रहते हैं 2 घंटे के लिए, और बाइक का चेकिंग, उनके कागजात देखना प्रॉपर है कि नहीं, उनको हमेशा बोलना कि किस तरह से ड्राइविंग करें, किस तरह से ना करें, यह सब चीज़ें हम लोग हमेशा बोलते रहते हैं। सर इतना अवेयरनेस प्रोग्राम होता है फिर भी इतना दार्जिलिंग में जाम रहता है, ये किस कारण, ये इसको क्या किस प्रकार देखना चाहते हो आप? जाम के तो बहुत सारे रीज़न हैं, वो आप बाकी जो एजेंसीज हैं उनके लिए भी पूछ सकते हैं। ट्रैफिक में मेन मैं ट्रैफिक के बारे में बोल सकता हूँ कि व्हीकल्स बहुत सारे बढ़ गए हैं, टूरिस्ट बढ़ गए हैं, और लोकल भी बहुत सारे 4-व्हीलर 2-व्हीलर्स बढ़ गए, उसके कारण और रास्ते कम हैं, तो उसके कारण जाम तो इसके ये जो मेन है उसके कारण ही होता है। तो उसके लिए हमारा प्रयास हमेशा ही रहा है, करीबन हम लोगों ने 40 बाइक दी है, जो नए 5 बाइक जो है
उसको हम लोग मार्शल्स बोलते हैं, वो हम लोगों ने मार्शलिंग रोड मार्शलिंग के लिए भी दिए हुए हैं सो दैट ट्रैफिक कंजेशन कम हो। हमारा हमेशा ही ये प्रयास रहा है दार्जिलिंग पुलिस का कि ये जाम कम रहे, लोगों को कम से कम तकलीफ हो, ये हमेशा ही प्रयास रहा है। थैंक यू।